रही थी, तो अभी मेरा गूगल पिन आ गया है और मेरी फर्स्ट पेमेंट भी आ गई है। विम लिक्विड, और वैसे तो मैं इसका बड़ा वाला, इसमें ये नीचे ऐसे मैट भी दिया हो गया है ताकि जो भी चीज हम इसमें रखें वो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और बच्चों को, जैसा कि आपको पता है, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। तो मेरे बच्चों के स्कूल 21 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं दोनों के, और जो बड़ी वाली बेटी है उसके तो 8 फरवरी से स्टार्ट हो गए थे। तो अभी नॉर्मल डेज जैसे पहले स्कूल जाते थे बच्चे, उसी तरीके से जाने लग गए हैं। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं 7 बजे और हस्बैंड मेरे ऑफिस चले गए हैं। तो अभी है काम करने का टाइम मेरा, तो अभी घर को समेटूंगी, पूरा फैला हुआ है और बस यही है। तो चलिए काम पे लग जाते हैं और फिर जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो में बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको घर की हालत दिखा देती हूँ। और सोफा कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, और ये सामान मैं रात को लेके आई थी, थोड़ा सा राशन वगैरह खत्म हो रहा था तो रिलायंस फ्रेश गए थे तो वहां से थोड़ा बहुत लेके आई हूँ। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्या क्या लेके आई हूँ। देन फिर इधर आइए, और यहाँ पे बच्चे रेडी होके गए थे मॉर्निंग में, तो ये कपड़े वगैरह उनके रखे हुए हैं, और ये सारे कपड़े लाइन से रखे हैं। कल कपड़े धोए थे, शाम को बहुत ज्यादा तूफान आंधी चल रहा था तो कपड़े सूख नहीं पा रहे थे, तो शाम को मैंने फोल्ड करके ऐसे ही रख दिए थे, तो शाम तक का टाइम लग गया था सुबह। अदरवाइज तो आजकल तो गर्मी हो गई है तो जल्दी सूख जाते, तो फोल्ड करके रखे हैं। इनको कबर्ड्स में लगाना है। तो किचन का हालत कुछ ऐसा है, और ये देखिए, ये कल जब राशन लेके आए थे तो उसमें ये लेके आए थे नमकीन, ये ऐसे ही है। और ये मैंने कुछ रेफ्रिजरेटर के लिए मंगवाए थे अमेजोन से, तो कल ये मेरा पार्सल रिसीव हुआ है। और ये 4 बॉक्सेस का सेट है, और इसमें आप नींबू, मिर्ची, धनिया जो भी है वो रख सकते हैं अच्छे तरीके से, और बहुत ही मैनेज्ड तरीके से रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है। इन केस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे रोटी वगैरह बनाई थी, सुबह मैंने साग बनाया था, मतलब साग मेरी सिस्टर के घर से आया था तो उसको मैंने तड़का वगैरह लगा के तो लंच बॉक्सेस में वही दे दिया था। तो अभी ये फैला पड़ा है, और किचन और बर्तन यहाँ पे, तो ये मुझे सेट करना है। और इधर रूम में मैंने सिस्ट कर दिया है, बिस्तर वगैरह अरेंज कर दिया है। तो ये कपड़े वगैरह मैंने निकाल के रखे हैं थोड़े से, और ये अभी जैसे मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, तो मैंने सोचा है कि जो फुल स्लीव्स के कुर्ताज वगैरह है ना वो मैं पहनना स्टार्ट कर दूंगी। अभी गर्म कपड़े पहनो तो थोड़ी सी गर्मी लगती है। तो बेड ऑल सेट है। तो दूसरा, बच्चों का रूम भी मैंने पूरा अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया था, तो इसका भी मैंने अच्छे से कर दिया है बस। तो अभी मैं जा रही हूँ, सबसे पहले मैं करूंगी कपड़े मैंने वॉशिंग में लगा दिए हैं, वॉशिंग मशीन में, क्योंकि आज वेडनेसडे है, फिर थर्सडे हो जाएगा तो थर्सडे को मैं वॉश नहीं करती, तो इसीलिए कपड़े वगैरह वॉशिंग में लगा दिए। उसको सुखा दूंगी जब तक वो धुल रहे हैं, तब तक मैं पहले किचन समेटती हूँ, देन फिर आपसे, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं राशन में कल क्या क्या लेके आई थी। और ज्यादातर सामान तो था, थोड़ा बहुत जो मेरे को लग रहा था कि एमरजेंसी में चाहिए रहेगा तो वो चीजें मैं लेके आई हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, देन फिर आगे की वीडियो हम कंटिन्यू। अच्छी लगती है,
पाउडर चाहिए था, वो पुराना वाला बॉटल मेरा थोड़ा सा खराब हो गया है, तो इसीलिए फिर मुझे पाउडर चाहिए था, इसलिए फिर मैंने एक छोटा वाला ये परचेज किया है। और साथ में लेके आए हैं आशीर्वाद का आटा और एक बिकानो का बिकानेरी नमकीन, वो मैंने आपको दिखाया था। तो बस इतनी चीजें लेके आए हैं। ज्यादा मतलब जो दालें वगैरह थी वो पड़ी हुई थी काफी, तो ये जो खत्म हो रखी थी बस वही लेके आई हूँ। आटा खत्म हो रहा था मेन, और बाकी तो अभी मैं काम शुरू करने लगी थी, उससे पहले मुझे याद आया कि सुबह मॉर्निंग में मैं गई थी अपने हस्बैंड को छोड़ने। तो मेरे हस्बैंड जैसे लुधियाना में जॉब करते हैं तो उन्हें बस स्टैंड तक या यहाँ तक छोड़ने जाना पड़ता है, तो वहाँ गई थी तो आते हुए टायर पंचर हो गया था, तो वो मैं देख के आई थी ठीक करवाने के लिए। तो अभी मुझे याद आया उसकी शॉप बंद थी तो मैं शॉप के बाहर खड़ा करके आ गई थी, तो अभी मुझे जाकर उसको बताना पड़ेगा कि ये टायर को ठीक करना है। तो अभी मैं फटाफट से वहां जाके आती हूँ, देन फिर आके काम स्टार्ट करूंगी। ये है स्कूटर की चाबी और ये है घर की चाबी। घर पे कोई नहीं है तो मुझे इतनी ज्यादा चल रही है ना, तूफान आ रहा है यहाँ पे दो दिन से। पास में ही शॉप, उसमें पहुंचने वाली तो मैं आ गई हूँ घर। और स्कूटर का जो पंचर था वो मतलब बहुत बार लग चुका था उस पे, यानी कि जो पिछला वाला टायर था ना एक्टिवा का, उसका मतलब काफी बार पंचर हो चुका था, तो टायर उसका खराब ही हो गया था ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने कहा कि आप चेंज ही कर दो टायर, तो फिर मैं टायर चेंज करवा के, मुझे 15-20 मिनट लग गए। अभी आई हूँ तो अब घर के काम करती हूँ। एक टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि फिर जैसा कि बाकी लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको तो पता ही है, जो लोग नए जुड़ते रहते हैं उन लोगों को नहीं पता, उनको बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड लुधियाना में जॉब करते हैं, तो अप डाउन करते हैं वो डेली। तो ऐसे क्या होता है कि जैसे घर में 100 तरह के काम होते हैं, बच्चे हैं, इधर उधर हैं, तो फिर उसके लिए मुझे ही मार्केट जाना पड़ता है खुद से ही, तो इसीलिए फिर घर में कन्वेंस एक का एक होना जरूरी है। तो इसीलिए एक्टिवा घर में रहती है, तो उसमें मैं फिर आना जाना कर लेती हूँ। तो वो मॉर्निंग में मैं जब उनको छोड़ने गई थी तो वो बाय द वे वो जाते हैं लुधियाना कार पूलिंग से, तो इसीलिए फिर मैंने कहा इसको तो ठीक करवाना जरूरी है, फिर मेरे काम रुक जाएंगे, मुझे कहीं जाना हो तो मैं नहीं जा पाऊंगी, इसलिए फिर सबसे पहले ये वाला काम कर लिया। अब ये काम खत्म हो गया है, अब घर के काम आराम से करूंगी। मेरे कपड़े भी वॉश हो गए हैं, आवाज आ रही है मशीन की, तो कपड़े सुखा लेती हूँ पहले फटाफट से, देन फिर बाकी के काम आराम से करेंगे। और बच्चे आएंगे शाम को 3:30 बजे, और फिर तब तक तो बहुत इनफ टाइम है मेरे पास, लंच वगैरह मैं बना लूंगी। तो चलिए कपड़े निकालती हूँ पहले फटाफट से, देन फिर किचन की तरफ बढ़ेंगे। तो वॉशिंग मशीन पहले मैंने इधर पिछली वाली बालकनी में रखी हुई थी, जो लोग मेरे पहले व्लॉग देखते हैं, अभी मैंने इधर बाथरूम में शिफ्ट कर दी है, क्योंकि ये वाला जो बाथरूम है इतना इस्तेमाल नहीं करते हम, एक ही बाथरूम इस्तेमाल करते हैं, ये वाला बहुत कम यूज होता है, सिर्फ इसका कमोड यूज होता है, तो इधर स्पेस खाली था तो मैंने वॉशिंग मशीन इधर शिफ्ट कर दिया।
तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, लाइफ स्ट्रगल से फुल होती है, चाहे हम घर में काम करते हैं या हम बाहर काम करते हैं। जो लेडीज़ बाहर काम करने जाती हैं, वर्किंग हैं, उनका भी स्ट्रगल उतना ही है। जो घर में रहती हैं उनका भी स्ट्रगल उतना ही है। कभी भी अपने आप को छोटा मत दिखाइए। बहुत से लोग कहते हैं हम तो घर में ही रहते हैं, हमारा क्या काम है। नहीं, आपका भी रोल उतना ही है, जो लोग बाहर काम करते हैं उनका भी रोल बराबर है। इसीलिए मैं लेडीज़ को एक छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहूँगी, किसी को भी मत कहने दो कि तुम कमज़ोर हो, क्योंकि तुम एक औरत हो। इसीलिए अपने आप को अगर आप फील करवाएंगे ना कि हम अपने आप को अगर आप समझते हैं कि हम मैं किसी से कम हूँ, तो फिर लोग अपने आप ही आपको उसी तरीके से फील करवाने लग जाएंगे। इसीलिए हमेशा अपने आप को अच्छा फील करवाइए और अच्छे तरीके से अपने आप को डील करिए। तो यहाँ पे जो राशन वगैरह मैं लेके आई थी, उसको मैंने सोचा अब किचन वगैरह क्लीन हो गया है तो मैं ये जो राशन है इसको भी उसकी जगह पे पहुँचा देती हूँ। तो बस वही इसको ले जाऊँगी और डिब्बों में जो दालें डालनी है उसको रिफ़िल कर दूँगी और बाकी का सामान जो एक्स्ट्रा में जाता है वो उसमें रख दूँगी। तो ये सारा किचन में ले आई हूँ, देन इसके बाद मैं करूँगी रिफ़िल। और ये छोटे छोटे काम हो जो होते हैं, जो टाइम टेकिंग होते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो बस वही हो गया। अब आटा रिफ़िल करना था तो ये ड्रम में मैं इसको डाल दूँगी। कह रही थी ना कि इसके वैसे 4 बॉक्सेस हैं, तो ये इसमें कल मैंने नींबू डाले थे, तो एक बॉक्स ये है जो मैंने दिखाने के लिए आपको बाहर निकाला है, तो अदरवाइज ये 3 बॉक्सेस हैं। अब मैं इसमें टिश्यू पेपर जो होता है उसकी लाइनिंग करूंगी, ये जो पेपर है इसको मैं लाइनिंग करूंगी इसमें, देन इसके बाद हम जो भी रखना है वो रखेंगे। बहुत अच्छे हैं और इसमें ये नीचे ऐसे मैट भी दिया गया है ताकि जो भी चीज हम इसमें रखें वो मतलब खराब ना हो, उससे टच होके नीचे से हवा क्रॉस होती है। तो फिर से मैं इसके ऊपर से ये जो पेपर है उसको मैं लाइट कर दूंगी और सिक्योर कर लूंगी। डबल है इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है और इस तरीके से हम इसको लाइट कर देंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा, तो इस तरीके से मैंने इसको लाइन कर दिया है। 2 पेपर्स कट किए हैं, एक इधर लगा दिया है एक इधर लगा दिया है। तो अब इसमें मैं कोई भी चीज़ रख सकती हूँ, जैसे हरी मिर्च, नींबू, कल तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे, तो अभी मैं उसमें भी ये पेपर लाइन करके देन फिर रखूँगी तो और सिक्योर हो जाएगा मेरा सामान। तो अभी मैं इसमें नींबू इसमें शिफ्ट कर देती हूँ और इसमें मैं दोबारा से पेपर लाइन करती हूँ। तो
इसकी लिड वगैरह बहुत अच्छी है, एयर टाइट है, क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगी बॉक्सेस। और आप चाहें तो इसको ऑर्डर करके कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनकेस तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। एक टिश्यू मैंने ऐसे नीचे लगाया हुआ है, ये देखिए अगर आपको दिख रहा होगा, तो एक टिश्यू से मैं ऊपर से कवर कर देती हूँ, इस तरीके से ग्रीन चिली से हमारी खराब नहीं होती। और इसकी जो ऊपर का टॉप होता है डंडियाँ, वो मैंने तोड़ के रख लिया था, तो इस तरीके से हमारी ग्रीन चिली काफी लॉन्ग टाइम के लिए चलती है, सड़ती नहीं है, गलती नहीं है। ये देखिए नीचे से मैंने एक टिश्यू लगाया हुआ था इस तरीके से, तो आप अगर नॉर्मल बॉक्सेज में भी रखते हैं तो भी इस तरीके से टिश्यू लगा के रखेंगे तो आपकी चीजें ज्यादा टाइम के लिए सेफ हो जाएगी। अच्छी है, स्पेस काफी अच्छा है इसमें, और जो इसमें प्लास्टिक है वो प्लास्टिक फूड सेफ प्लास्टिक जो होता है वो यूज किया गया है, और इसमें फ्रीजर और माइक्रोवेव ये सारे जो फूड सेफ होते हैं वो प्लास्टिक है, ये तो ये आपके फूड को कोई हार्म नहीं करेगा। इसमें मैं जिंजर डाल रही हूँ, मोर सेफ एंड मोर सिक्योर। वैसे जैसे मैंने इन बॉक्सेस पे रखा था ना, ये भी फूड सेफ ही हैं, तो इनमें भी फूड स्टोर कर सकते हैं, नैसा का है ये। और ये देखिए यहाँ पे माइक्रोवेव सेफ फूड सेफ प्लास्टिक ही है ये, और ये तो इसमें तो आइसक्रीम आई थी, ये तो है फूड सेफ, तो इनमें ही मैंने स्टोर करके रखा था, बट काफ़ी टाइम से वही है ना, तो अभी मैंने सोचा चलो ऑर्डर कर देती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो इनकेस तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। क्लीनिंग वगैरह मेरी डन हो गई है,
और सारा मैंने पोछा वगैरह लगा लिया है, मॉपिंग हो गई और बस अब मैं फ्री हो गई हूँ। अभी बज चुके हैं 12:30 और 12:30 हो गए, सारा काम मेरा डन हो गया है। अब मुझे लंच की प्रिपरेशन करनी है तो बस अभी मैट वगैरह लगा रही हूँ मैं, जहाँ जहाँ पे मैट लगाने हैं मैट्स वगैरह लगा रही हूँ, तो जहाँ जहाँ पे मैट लगाने हैं वहाँ पे लगा रही हूँ। और बाहर बालकनी भी मैंने वॉश की थी तो ये स्टैंड यहाँ रखा, इसको बाहर निकाल दूंगी, अभी सूख गई होगी। मौसम इतना गंदा हो रखा है ना, पूरी वो धूल वाली आंधियां नहीं होती वैसा है, अजीब सा पूरा हवा चल रही है मिट्टी, कल से इतनी धूल मिट्टी आ रही है ना अंदर। बड़े बड़े कपड़े तो मैंने ग्रिल में डाले थे, इसमें अंडरगार्मेंट्स सॉक्स वगैरह सब है, सारा क्लीन कर दिया। और बाहर कुछ वेदर ऐसा है, अभी फिलहाल तो कम है, सुबह तो इतनी ज्यादा थी। चलिए हो गया काम खत्म, अब मुझे करनी है डस्टिंग, तो डस्टिंग मैं सबसे लास्ट में करती हूँ क्योंकि मॉपिंग वगैरह करके आजकल मैंने लास्ट में डस्टिंग करनी स्टार्ट करी है, बिकॉज फिर पहले कर लो ना, फिर वो मॉपिंग करते हुए झाड़ू वगैरह लगाते हो फिर थोड़ा बहुत डस्ट रह जाता है, इसीलिए क्लीनिंग डन, मॉपिंग डन और अब बारी है डस्टिंग की, तो चलिए मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तो काम मेरा सारा खत्म हो गया है, मॉर्निंग का जो भी क्लीनिंग का और सब कुछ हो गया है, अब बस मुझे लंच प्रिपेयर करना है, बच्चे 3:30 आएंगे तो अभी उसके लिए टाइम है, तो उससे पहले मैं आपको क्विक सा अपडेट दे देती हूँ। और बहुत टाइम के गैप के बाद मैं अपनी वीडियोस को कंटिन्यू कर रही हूँ, तो उसका एक रीजन था, काफी टाइम से जो मेरी यूट्यूब की जो पेमेंट के लिए गूगल पिन आना होता है वो मेरा पिन रुका हुआ था, तो आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा था या क्या प्रॉब्लम थी, तो उस चीज का पता नहीं लग पा रहा था, तो इसीलिए फिर मैंने वीडियोस थोड़ी सी कम क्या मैं बंदी कर दी थी, मैं क्या इतनी मेहनत कर रही हूँ और मेरा पिन आ नहीं रहा, तो उसकी थोड़ी सी टेंशन वगैरह चल रही थी, तो अभी मेरा गूगल पिन आ गया है और मेरी फर्स्ट पेमेंट भी आ गई है, तो यही चीज का मैंने आपको अपडेट देना था। और इसके बाद अभी मतलब मेरी वीडियोस कंटिन्यू आपको देखने को मिलेंगी, तो और बहुत सारे लोगों का मतलब मुझे उसमें इंस्टा पे भी पूछ रहे थे कि आप वीडियोस कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो, तो यही रीजन था मेरा, तो अब मैंने वीडियोस कंटिन्यू कर दी हैं, और जैसे आप पहले मेरी वीडियोस को प्यार देते थे उसी तरीके से प्यार दीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सिर्फ आपको जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करना है और क्लिक करना है, तो उसके साथ जो बेल बटन है उसको
प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अभी आज की वीडियो में तो मैं कोई रेसिपी वगैरह भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि सडनली मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था कि मैं आज वीडियो कंटिन्यू करूंगी कि नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे इंस्टा पे, तो वो पूछ रहे थे क्योंकि इंस्टा पे मैं अपनी वीडियोस डालती रहती हूँ, तो वो पूछ रहे थे कि आप अपनी वीडियोस क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हो यूट्यूब पे। तो इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं और एक अच्छी खबर सुनाते हैं आपको। तो अब से आपको वीडियो रेगुलर मिलेंगी। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है वो भी मुझे इंस्टा पे फॉलो कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए चलते हैं।